दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका अर्थ है कि जब एक बार आदमी धोखा खा लेता है तो उसके बाद बहुत सोच विचार कर काम करता है। प्रवासी कामगारों में कोरोना के खौफ से भी ज्यादा मोदी जी के भाषण का डर है। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। इसीलिए तो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के फरमान से पहले ही अपने घर लौटने लगे हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 1,15,000 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले आज सामने आए हैं। कई राज्य पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा चुके हैं और इसके चलते प्रवासी कामगार लॉकडाउन होने की संभावना के डर से फिर बिहार लौटने लगे और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिख रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि पीएम मोदी बिना किसी परामर्श, बिना पूर्व सूचना दिए कोई भी गलत निर्णय लेने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाने से पहले लोगों को सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया। 2020 8 बजे वाले लॉकडाउन के दुष्प्रभाव को कौन भूल सकता है, जब करोड़ों प्रवासी श्रमिकों को नंगे पांव, भूखे पेट, बच्चों को पीठ पर लादे हुए घर वापस लौटना पड़ा, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। अनुमान है कि लॉकडाउन के पहले महीने में ही 12 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और लगभग 300 से अधिक ने अपनी जान भी गंवा दी थी। कोरोना वायरस की पहली लहर ने भारत में उतना विनाश नहीं किया था जितना कि मोदी द्वारा घोषित तालाबंदी से हुआ। तो क्यों प्रवासी मजदूरों को एक और तालाबंदी का डर नहीं होगा, जबकि कोरोना वायरस के मामले देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।